हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। होम स्टे रेशमा खान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सा, रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाएंगे चिकन दम बिरयानी, जो मेरे घर की रेसिपी है। इसे बनाकर देखिएगा, बहुत ही टेस्टी से बनती है। चलिए रेसिपी को स्टार्ट करेंगे। हम लेंगे एक कढ़ाई, जो पहले अग्नि बना लेंगे। जो लेना है आप बर्तन ले सकते हो, मैंने कढ़ाई लिया है। इसमें डालेंगे 1/2 kg जितना चिकन, अच्छे से विनेगर से धो के साफ कर लिया है। चिकन डालने के बाद इसमें हम थोड़े खड़े मसाले डालेंगे, 2 तेज़पत्ता, आधा टीस्पून दरदरी कुटी काली मिर्च, आधा टीस्पून शाही जीरा, 2 इलायची, 1 बड़ी इलायची, और लेंगे 1 चक्री फूल, 4 लौंग और जावित्री लेंगे। इन सभी को चिकन में डाल लेंगे। वो डालने के बाद 1 कटोरी जितना दही लिया है मैंने, दही को डालेंगे। ये परफेक्ट मेजरमेंट है, बहुत ही टेस्टी से बनती है। 2 टेबलस्पून मैंने लिया कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून लिया है धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून लिया है जीरा पाउडर और 1.5 टेबलस्पून लिया है मैंने मेरे घर का बना हुआ बिरयानी मसाला। इन सभी को डाल लेंगे। आप चाहे तो एवरेस्ट का शाही बिरयानी मसाला भी डाल सकते हो। और डालेंगे 1 टमाटर लिया है इधर पे बड़ा सा, और 4 से 5 हरी मिर्चें, हरा धनिया फ्रेश और फ्रेश पुदीना लिया है। ये तीखी वाली नहीं है हरी मिर्चें, तो मैंने 4 से 5 हरी मिर्चें डाली है। थोड़ा सा डालेंगे फ्रेश हरा धनिया और डालेंगे पुदीना, फ्रेश पुदीना डालेंगे, और थोड़ा थोड़ा लास्ट में डालने के लिए बचा के रख लेंगे। एक बड़ा सा टमाटर लिया है, उसको चॉप कर लिया है, वो डालेंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक डालिएगा, मैंने नमक भी ऐड किया है। और बिरिस्ता बना के मैंने पहले से रख लिया था, बहुत ही आसान बन जाती है बिरयानी बनाने के लिए, बहुत ही कम समय लगता है बिरिस्ते बनाने के बाद। देखिए, इसको इस तरह से हाथ से क्रश करके डालेंगे हम इसमें। प्याज को फ्राई कर लिया था मैंने, और डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट बड़ा चम्मच से, 2 चम्मच डालेंगे हम अदरक लहसुन पेस्ट। डालने के बाद देखिए, 1 नींबू का रस लिया है मैंने, पूरा 1 नींबू लिया है, उसका रस निकाल कर उसको भी ऐड करेंगे। मैंने तेल लिया है, जो बिरिस्ता बनाया था ऑनियन फ्राई किया था ना, वही तेल लिया है। 3 चम्मच जितना तेल डालेंगे, हाथ की मदद से अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। आप चाहे तो चम्मच की मदद से भी मिक्स करते हो। चलिए, अच्छे से मिक्स हो चुका है। इसको कम से कम आधे घंटे के लिए मैरिनेट करके रखना चाहिए। आधा घंटा हो चुका है, अब हम इसको ढक्कन लगाकर गैस पर चढ़ा देंगे। देखिए, मैंने गैस को ऑन कर लिया है और इसे ढक्कन लगाकर मीडियम फ्लेम पर पकने रख देंगे। तब तक मैंने इधर पे चावल धोकर रख लिया था 1 घंटे के लिए। मैंने 1/2 kg चावल लिया है बासमती राइस, इसको धो के 2 से 3 पानी से अच्छे से सोख होने के लिए रख दिया था। चलिए, देखिए चिकन पक रहा है, इसको एक टाइम अच्छे से हिला देंगे। इतनी बढ़िया सी खुशबू आ रही है, बहुत ही टेस्टी से बनेगी आपकी बिरयानी। एक बार इसी मेथड से आप बनाकर देखिएगा, चिकन बिरयानी बहुत ही टेस्टी सा बनती है। चलिए, ढक्कन लगाकर इसको साइड पर रखेंगे। मैंने दूसरे चूल्हे पे, देखिए इधर पे एक लिया है बर्तन, बर्तन में पानी डाल चुकी हूँ मैंने, 2 से 3 लीटर पानी डाला है। और डालेंगे 3 चम्मच जितना नमक, नमक ज़्यादा नहीं होगा, पानी निकलने के बाद परफेक्ट चावल बनेंगे। और डालेंगे थोड़ा सा पुदीना और आधा नींबू का रस डालेंगे। नींबू डालने से बहुत ही खिले खिले हमारे चावल बनकर रेडी होंगे। नींबू स्किप मत कीजिएगा, बहुत ही खिले खिले चावल बनेंगे। और डालेंगे 1 टेबलस्पून जितना तेल। तेल डालने के बाद ढक्कन लगाकर इसको छोड़ देंगे उबाल आने तक। देखिए, चिकन अच्छे से पक रहा है, इसको भी बीच बीच में चेक करते रहिएगा। थोड़ा पानी सूखने तक इसको अच्छे से पका लेंगे, चिकन बहुत ही जल्द गल जाएगा, बहुत ही टेस्टी सा दिख रहा है। चलिए, इसको ढक्कन लगाकर पानी सूखने तक अच्छे से पका लेंगे।
दो से तीन बार इसको अच्छे से मिक्स करते रहिएगा ढक्कन निकाल निकाल कर। आप मेरे चैनल पर नए हैं, वीडियो पसंद आ रहे हैं तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। बहुत ही ऐसे ही नई रेसिपी और बहुत ही इजी रेसिपी मेरे चैनल में देखने को मिलेंगे आपको। देखिए पानी उबल रहा है, इसमें मैंने धनिया भी ऐड किया था। नींबू को हटा देंगे हम और चावल के पानी सभी निकाल लिया है मैंने, चावल को ऐड करेंगे इसमें। देखिए अच्छे से इसको पूंछ कर डालेंगे हम। चावल को हमें 90% तक ही पकाना है, टोटल 100% नहीं पकाना है, दम पर भी पकेगा वो। चलिए इसको ढक्कन लगा के अच्छे से पकने देंगे, बीच बीच में चेक करते रहेंगे, बहुत ही जल्द पक जाएंगे क्योंकि 1 घंटे के लिए सोक करके रख दिया था मैंने। देखिए और थोड़ा कसर बाकी है चावल पकने के लिए और 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे। कितना देखिए बढ़िया सा, बहुत ही लंबा लंबा सा हमारा चावल बनकर तैयार है, खिला खिला। चलिए ये 90% तक पक चुके हैं, इसका पानी निकाल कर मैंने इस तरह प्लेट पे फैला के डाल देंगे ताकि एक दूसरे को नहीं चिपके। चलिए अग्नि की तरफ चलते हैं, ये भी रेडी हो चुका है। गैस को कर देंगे बंद, देखिए इस तरह से गैस को बंद कर देंगे हिला के। ऑयल पूरा निकल चुका है, इतना काफ़ी है, पूरा ड्राई नहीं करना है आपको। इसको बंद कर देंगे आप गैस को और इसका ऑयल हम 1 कटोरी में अलग सा निकाल लेंगे ताकि बिरयानी में बाद में दम देने के लिए ऊपर से डालेंगे ऑयल को, वरना नीचे रह जाएगा। देखिए इस तरह से 1 चम्मच की मदद से ऑयल पूरा निकाल लेंगे हम। इतना काफ़ी है और चलिए लेयर बनाएंगे हम। एक बर्तन ले लिया है मैंने, बर्तन में नीचे डालेंगे हम ऑयल ताकि चावल नहीं चिपके। इसी तरह हमने 1 से 2 चम्मच ऑयल डालेंगे और 1 लेयर डालेंगे चावल। पहले हमें थोड़ा चावल को डालेंगे, बहुत ही इजी, बहुत ही झटपट ही और इतनी टेस्टी बनती है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीन मानिए। देखिए बस थोड़ा ही चावल डालना है नीचे, इसको अच्छे से फैला लेंगे और इसके ऊपर जो भी हमारा चिकन बना हुआ है उन सारा डाल देंगे इसमें। चलिए चिकन को अच्छे से डाल लेंगे। चिकन को डालकर अच्छे से फैला लेंगे, देखिए इस तरह से अच्छे से फैला लेंगे और इसके ऊपर जो बचे हुए चावल हैं उसको भी ऐड करेंगे। आप पहली बार बना रहे हो बिरयानी तो भी आपकी बिरयानी बहुत ही परफेक्ट सी बनती है, इसी मेथड इसी मेज़रमेंट से बनाइएगा आप, आपकी बिरयानी कभी भी फेल नहीं होगी, 100% सही बनेगी आपकी बिरयानी। चलिए चावल को फैला लेंगे और इसमें डालेंगे जो हमने तेल निकाला था ऊपर से, उसको इस तरह से डालेंगे ऊपर से, देखिए इस तरह से डालना है और थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया डालेंगे, थोड़ा पुदीना भी ऐड करेंगे इसमें ताकि फ्लेवर्स बहुत ही बढ़िया सा फ्रेश फ्लेवर्स बहुत ही अच्छे से आता है। और थोड़ा सा मैंने रेड फूड कलर लिया है लिक्विड वाला और ग्रीन लिया है हरा कलर, उसको भी थोड़ा थोड़ा डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना है आपको, सिर्फ थोड़ा थोड़ा डालेंगे। और 1 टमाटर को इस तरह से मैंने राउंड शेप में काट लिया था, उसको भी लगा देंगे। सिर्फ 1 ही मिर्ची मैंने डाली है लास्ट में और लास्ट में डालेंगे हम जो बिरिस्ता बचा कर रख लिया था, वो सारा बिरिस्ता भी इसमें ऐड कर देंगे। चलिए सिर्फ इसको दम देना बाकी है,
दम पे रख देंगे। अच्छे से पूरा बिरिस्ता डालने के बाद इसको ढक्कन लगा देंगे। आप चाहे तो एल्यूमिनियम फॉयल भी लगा सकते हो। मैंने इसी तरह ढक्कन को लगा दिया है। एक तवा रख लिया है, जो पुराना घर पे रहता है ना वो तवा रख लिया है। डायरेक्ट नहीं दम देना है आपको, दम पे नहीं रखना है, और कम से कम 15 से 20 मिनट तक इस पर छोड़ देंगे, ताकि बिरयानी बहुत ही परफेक्ट सी बन जाएगी। देखिए कितना बढ़िया सा बिरयानी पककर बनकर तैयार है। चलिए इसको इस तरह से देख लेंगे, माशाल्लाह बहुत ही बढ़िया सी बिरयानी बनकर तैयार है। चलिए इसको सर्व कर लेते हैं। मैंने प्लेट में सर्व कर लिया है। देखिए कितना बढ़िया सा रेस्टोरेंट स्टाइल हमने बना कर रख लिया है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह ऐसे ही रेसिपी के साथ, नई वीडियो के साथ बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दम बिरयानी बनकर तैयार है। चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।